कैसे हो भाई सबके सब गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो भाई सभी के सभी आ जाइए गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग भाई शिव कुमार साक्षी प्रधान अविनाश मोनिका रंजना उमा इट्स नितेश एंड ऑल ऑफ यू कैसे हो भाई सभी के सभी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो भाई जनरल अवेयरनेस का देखो लगातार सोलहवा पार्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह वाली क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि माता जी आई थी तो उन्हें उनकी आंखें को आँख को दिखाना था इसी वजह से सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई थी बट डोंट वरी हाँ गुड इवनिंग सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए बिल्कुल और देखो मैंने एक चीज़ आपके लिए और भी करी है कि आपको रिकॉर्डिंग वीडियो जब ज़्यादा से ज़्यादा देंगे जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो क्योंकि अभी बात ज़्यादा करते हैं टाइम ज़्यादा लगता है रिकॉर्डिंग में क्या होगा सीधे आए क्वेश्चन कराएं बस बात खत्म सीधे आए क्वेश्चन कराएं सीधे आए क्वेश्चन कराएं इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं ठीक है चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू गुड इवनिंग एवरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग कैसी है जनता है बढ़िया चलो आ जाओ जल्दी से, से शेयर कर दो सबके सब, सब शेयर कर दो भाई गुड इवनिंग भाई अमृता गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलो भाई तो यहाँ पे करने वाले हैं जनरन का लगातार सोलहवा पार्ट ऑलरेडी सारे के सारे पार्ट्स आपको अपडेट सेक्शन में मिल जाएंगे और सारे के सारे पार्ट्स आप लोग जाकर अपडेट सेक्शन से देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया भैया तो लाइक कर दीजिएगा और जनरल अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मतलब अनिंग अनगिनत बोलेंगे पूछे जाते हैं तो भैया जनता क्या कहती है अरे जनता रेडी है तो कमेंट बॉक्स में जो जरा जरा रेडी के कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या बात है आए आ रहे हैं चलो भाई तो सारी की सारी जनता अगर पूरी की पूरी तरीके से रेडी हो गई है तो कमेंट बॉक्स में भाई जल्दी से सबके सब, सब रेडी का कमेंट कर दो और फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का बेहतरीन सेशन जबरदस्त सेशन और शानदार सेशन सबके सब अजय सब। अनुष्का क्योंकि बीच में नाम नहीं लेंगे तो अभी जल्दी से रेडी सबके सब बोल दो भाई लल्लू आ राखी मोनिका राघव मिश्र मनोज विवेक अनुष्का दुलार एन ऑल ऑफ मोटो शुभम निखात सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है सभी को पहली बात तो रेडी एन एवरी वन इज रेडी स्टार्ट कर देते हैं टॉप ड्रेड करंट अफेयर्स की सीरीज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहता है जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी जब 1946 का संविधान सभा का चुनाव हुआ था ना तो उस टाइम कांग्रेस आपको पता जीत गई थी लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों से जीती थी यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कांग्रेस उस समय दो सीटों से जीती थी कितने से जीती थी भैया दो सीटें जीती थी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है अब यहां से दो तीन क्वेश्चन उठ पाएंगे पहला क्वेश्चन ये उठे ये उठेगा कि भैया बता दो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी एक सिंपल सा क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है दूसरा ये उठेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी ये दो तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे तो जो पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे सन अठारह सौ पचास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन अठारह सौ पचास ईस्वी और किसने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो ए ह्यूम इज द राइट आंसर दाइटर क्वेश्चन ए ह्यूम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरे पक्का है सबके सब, सब क्लियर हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मतलब कि आपसे सिंपल क्वेश्चन जो पूछा उसने ये पूछा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत का पहला कहां पर खोला जाएगा जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट खोल दीजिए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत शानदार तो पहला जो आपका राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो कहां पे खोला जाएगा मणिपुर में खोला जाएगा मणिपुर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन अब मणिपुर से तीन चार बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी परीक्षाओं के लिए सबसे पहले आपके पास यह आएगा कि भैया ये बता दो सबके सब जरा सब जल्दी से कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बहुत आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है भाई तो सभी को पता होना चाहिए अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो बीरेन सिंह इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है एंड बीरेन सिंह बिल्कुल सही आंसर है ठीक है अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है अस्तनधारी ऐसा जानवर कौन सा है? जो अंडा देता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मतलब ऐसा जानवर जो अंडा देता है स्तनधारी जानवर है कौन सा जानवर जो अंडा देता है जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत बढ़िया बहुत शानदार याद रखिएगा

बताओ भाई सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है तो जो सूर्य का चमकीला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं फोटो स्पियर क्योंकि भाई देखो ऐसे कह सकते हैं फोटो ले रहे हैं तो बड़ा चमक रहा है तो फोटो स्पियर हो गया सूर्य का जो चमकीला भाग है वो क्या हो गया फोटो स्पियर फोटो लेने से बड़ा चमका चमकीला भाग हो गया फोटो स्पियर नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है एक खिलाड़ी का नाम है जिसका नाम है कुर्बान बेग से टॉफ ये खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है क्योंकि खिलाड़ियों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं तो ये जो खिलाड़ी है ये कौन से गेम से संबंधित है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया क्या नाम है भैया कुर्बान शेख से आपका कुर्बान बेक से टॉप ये किस गेम से संबंधित है तो याद देखेगा सभी बच्चे फुटबॉल जितने बच्चों का शौक होगा उन्हें पता होगा ये खिलाड़ी के बारे में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो भैया एक बार जरा क्लैपिंग कर दीजिए क्योंकि दो बच्चा ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ चुका है बहुत अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं आपके पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है जरा जल्दी से बताइए क्या होगा अगला क्वेश्चन आप सभी से पास यहाँ पे पूछता है कि भैया ये बता दो कि भारत ने आजादी हासिल करी थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बहुत आसान से क्वेश्चन है जो जल्दी से सबके साथ कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि जिस टाइम भारत ने आज़ादी हासिल करी उस समय भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी अध्यक्ष कौन थे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आप सभी को पता है जेबी कृपलानी साहब नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा इनका जेबी कृपलानी साहब नाम इनका इसलिए भी है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने में इनका बड़ा सहयोग रहा था और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ये क्या थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत में जो विदेशी निवेश है वो सबसे अधिक कौन से देश से होता है यानी जो बाहर पैसा लगता है भारत में जो बाहर के लोग आके भारत में पैसा लगाते हैं वो कौन से देश वाले सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं भारत में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन तो भारत में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो कहाँ के लोग लगाते हैं वो मॉरिसस के लोग लगाते हैं यानी मॉरिसस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन अभी तक हम अमेरिका जानते थे अभी तक हम ब्रिटेन जाते थे अभी तक हम यहाँ पे चाइना जानते थे लेकिन सही आंसर होगा मॉरिसस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो मॉरिसस के लोग हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं मतलब मॉरिसस एक ऐसा देश है जहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा पैसा लगाए जाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है भाई कहता है नए पारित किए गए निरसन और संशोधन विधेयक निरसन एंड संशोधन विधेयक मतलब आप सभी को पता है कि ऑप्सुलेट एंड एलेवेंट लॉ इसके द्वारा 2019 के द्वारा कितने अप्रचलित और अप्रासंगिक कानून कानून बनाए गए थे जिनको हटा दिया गया जिनको निरस्त कर दिया गया ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया 2019 में यह हुआ था ना कि जितने भी ऐसे कानून जिनका कोई यूज नहीं है जिनको बना दिया गया था उनको हटा दिया गया ऐसे कितने कानून थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा है ना बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा तो ऐसा कौन सा कितने कानून थे कुल मिला के अट्ठावन कानून थे जिनको निरस्त कर दिया गया था या जिनको हटा दिया गया था कितने कानून थे भैया अट्ठावन बाकी सही बच्चों का यहां पे गलत आंसर आ रहा है अट्ठावन राइट आंसर अभी क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अरे अगले क्वेश्चन पे आते देखते अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है भाई एफ एस एस ए आई आप सभी को बताओ फूड की जांच करने के लिए यह चीज है इसे जो है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया है आप सभी को पता यह क्या करता फूड की पूरा सिक्योरिटी बताता है कि भैया फूड जो है अगर इसके द्वारा वाटर मार्क लगा हुआ है इसके द्वारा सर्टिफाइड है इसका मतलब चलो ठीक ठाक है तो इसने एक स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का जो है वो दर्जा दे दिया है उसको सर्टिफाइड कर दिया है वो स्टेशन कहाँ का है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स रुकने नहीं चाहिए वनाभन हर बच्चे के कमेंट आने चाहिए क्योंकि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है तो कहा के इसने जो है स्टेशन को यह दे दिया माने तो आपको पता होगा जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं दिल में ऊपर का जो छोटा कच्छ है ना हमारे बॉडी में हमारे जो दिल में अरे दिल आपको याद है कि नहीं याद है हाँ तो जो ऊपर का जो छोटा कच्छ होता है दिल में उस कच्छ को क्या बोला जाता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बढ़िया दिल में जो ऊपर का जो छोटा कच्छ है उसको क्या बोला जाता है सबको पता होना चाहिए आरटिया आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा आरट्रिया या फिर एटेरिया इसको बोलते हैं या फिर आरटे बोलते हैं तो हमारे जो दिल है ना वो दिल का जो ऊपर वाला पार्ट है वही क्या कहलाता है आर्टिया कहलाता है या फिर एटेरिया कहलाता है यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन क्या बात सभी को समझ में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग चलते हैं देखते हैं क्या कहता है भैया लो एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया फुल फॉर्म के बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे तो ए एस सी आई आई इसका असंक्षिप्त रूप क्या है इसका फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है ए एस सी आई आई फुल फॉर्म क्या भैया ये किस चीज़ के लिए है जरा ये क्वेश्चन जरा जल्दी से बता दीजिए सबके सब. सब। बहुत शानदार एस सी आई आई मतलब क्या होता है याद रखेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये एक बार पेपर में 2016 वाले में एन में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्या होता है जरा साथ में बोलिएगा जैसे अभी आपको पता है इस बार का यू पूछा गया था किसमें आइसोलेटेड कैटेगरीज में तो जितने भी फुल फॉर्म है वो बड़े इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज द राइट आंसर अभी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अरे अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए तैयार हो क्या आ जाओ भाई सबके सब कहता है किस संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोले तो इसरो के साथ गगनयान परियोजना के लिए मानव केंद्रित प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता के और समझौते पर हस्ताक्षर करा है भारत का ऐसा कौन सा संगठन है जिसने गगनयान के लिए इसरो के साथ समझौता करा है ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है बहुत अच्छा भैया तो भैया कौन सा ऐसा है सबको याद होना चाहिए आपको डीआरडीओ ने गगनयान के लिए समझौता किया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है गगनयान क्या है एक मानव केंद्रित प्रणाली इसमें विकसित करने के साथ इन्होंने समझौता किया किसने भैया डीआरडीओ ने इज द राइट आंसर ऑफ डी क्वेश्चन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लो नया शानदार सा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्फाबेट के सी कौन बता पाएगा भाई बहुत अच्छा बहुत शानदार बहुत ईजी सा क्वेश्चन आप सभी के सामने और इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाती है तो टेलीग्राम पे जुड़ा जरूर करिए अल्फाबेट के सीईओ कौन है सुंदर पिचाई साहब है अल्फाबेट कौन सी कंपनी आप सभी को पता है कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है तीसरी बात आती है कि भैया ये गूगल जो है गूगल के भी सीईओ कौन है तो आप सभी को पता होना चाहिए गूगल के भी सीईओ कौन है पिचाई साहब है चौथा क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा दुनिया का सीईओ है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है सबसे हाइस्ट जो है सैलरी पाने वाला सीईओ कौन है तो वो भी सुंदर पिचाई साहब हैं क्या बात सभी को समझ में आ रही है अरे हाँ या ना जनता अरे क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग बढ़ते हैं देखते हैं क्या कहता है भैया अगला क्वेश्चन कहता है उन्नीसवें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था उन्नीसवें जो है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था सबसे खतरनाक वाला बा, बाल जो आपका इस बार का आप कह सकते हैं कि बाल अभिनेता था उसका अवार्ड किसको मिला था जरा जल्दी से बताइए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो सबसे अच्छा जो मिला था आपको पता होगा सनी पवार इन्होंने एक फिल्म में, में काम किया था और ये सबसे खतरनाक बाल अभिनेता का जो पुरस्कार है वो सनी पवार को दिया है एक बार जरा सबके सब क्लैपिंग कर दीजिए क्योंकि 300 बच्चा लाइव जुड़ चुका है है ना अब चार सौ हर सौ सौ पे हम लोग यहाँ पे क्लैपिंग करते हैं अरे क्लियर है नेक्स्ट पे आ जाते देखते क्या होगा इस क्वेश्चन का अगली क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप सभी के पास आ गया है यार करतारपुर कॉरिडोर आप लोगों ने नाम सुना होगा जो मैंने 2000 जीके जैसे क्वेश्चन दिया उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो जो करतारपुर कॉरिडोर है इसकी कुल लंबाई कितनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हाँ वेरी गुड भैया तो जो करतारपुर कॉरिडोर है इसकी कुल जो है लंबाई वो कितनी ये क्वेश्चन पूछा गया तो याद रखिएगा लगभग लगभग आपका होगा यहाँ पे कि चार किलोमीटर यहाँ पे सही आंसर आएगा अरे चार बोले तो 4.1 किलोमीटर इज द फोर पॉइंट वन क्वेश्चन जो करतारपुर कॉरिडोर है उसकी कुल लंबाई फोर पॉइंट वन किलोमीटर है यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं क्या कहता है कहता है ये बताओ जो जो स्पेसिफिक हीट उस, है है यानी उसका एस SI यूनिट क्या होता है अब एस एसआई यूनिट का क्वेश्चन क्यों लिया क्योंकि आपको पता है आइसोलेट कैटेगरीज में इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने भाई कहा चलो एक अच्छा क्वेश्चन उठा लेते हैं तो अगर हीट कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जाएगा तो इसका जो ऐसा SI यूनिट होता है इसका होता जूल पर के जी कैलविन क्या होता है भैया जूल पर केजी कैलविन यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो कि विकी एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर बताना शुरू कर दिए हैं नेक्स्ट पे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है भाई पहले जो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है तो पहले ध्यान से आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर मैं समय स्टार्ट करूंगा तभी पोल करने की कोशिश करिएगा बिल्कुल यहाँ पे घबराइएगा नहीं आराम से करिए समय शुरू हो चुका है भारत उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या था कब से उन्नीसवी शताब्दी जब चल रही थी उस टाइम जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसका क्या उद्देश्य था यह देखिएगा उसका उद्देश्य यह था कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता के रूप में बदलना तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ ऑफ दिस, दिस क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बी यहां पर बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल शानदार बिल्कुल जिंदाबाद वाला क्वेश्चन हो जाएगा अरे क्या सभी बालक बालिकाओं को क्या अभी तक क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे हैं अरे या ना अरे या ना भाई अरे पक्का है चलो आ जाते हैं देखते हैं क्या होगा यहाँ पे सही आंसर अगला क्वेश्चन आता है पुरुष जनतंत्र के विसर्ण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें विसर्ण पालिका भी बोलते हैं बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई प्रियंका बहुत बढ़िया सोनू बहुत बढ़िया रामधार वीन मणि नरेंद्र रोहित ठाकुर रान सिंह रन सिंह नितेश एंग्री बर्ड एंड ऑल ऑफ यू बहुत तगड़ा यार तो कहता है पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक विषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए जो पुरुष जनन तंत्र होता है उसके हर विषण में लगभग कुल मिला के ढाई सौ कक्ष होते हैं बोले तो ऑप्शन आप नंबर आपका यहाँ पे सी द राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या सभी को बात क्लियर हो रही है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगर मान लो हम बाल्टी से कुआं से पानी खींच रहे हैं और तार टूट जाए तो जो पानी खींचने लगती व्यक्ति वो पीछे की ओर गिर जाएगा क्योंकि आगे तार टूटा वो पीछे की ओर गिरा ये कौन सा नियम है आपका न्यूटन के गति का जरा ये बताओ क्या होगा सही आंसर हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है उसने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया और आपको पता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम यही तो है कौन सा कौन सा दल बदल का नियम कह रहे हैं कुछ बच्चे नहीं एक्शन रिएक्शन का रूल भाई पानी आपने करा और उधर एक्शन लग गया उधर आपकी बाल्टी नीचे गिरी अगर उधर आपकी बाल्टी नीचे गिरी तो आप इधर पीछे पीछे आ गए और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए क्या बात क्लियर होगा कि नहीं होगा अरे हाँ ना अरे क्लियर है भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला आ चुका है किस कारण से शरीर की शरीर में नशे दिखाई देने लगती है आप लोगों ने देखा होगा भाई कई सारे लोग ऐसे होते तो हैं जिनकी नशे दिखाई देती हैं तो आप कहते हैं यार बड़ा स्मार्ट है इनके तो हाथ की पूरी नशे दिखाई दे रही हैं लेकिन वो स्मार्ट नहीं होता एक्चुअली में एक रोग हो जाता है एक प्रभाव हो जाता है एक इफेक्ट हो जाता है उनके बॉडी में जिसकी वजह से वो चीज़ें दिखाई देती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या रेले है, स्केटरिंग यानी कि रघेलिया इसको हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन वो तो गूगल ट्रांसलेटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेले इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन उनको रेले स्कैटरिंग हो जाता है उनके बॉडी में जिसकी वजह से उनके हाथों की जो नसें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं कई सारे बहुत सारे जो गोरे लोग होते हैं उनके भी हाथों की नसें दिखाई देती है तो वो उनके त्वचा की वजह से होता है क्योंकि बहुत पतली हो जाती है उनकी स्किन इसकी वजह से भी होता है बिना प्रतिनिधित्व का कोई कर नहीं ये नारा कब दिया गया था कि भाई अगर प्रतिनिधित्व नहीं करोगे हमारा साथ नहीं दोगे तो हम कोई भी तरीके का टैक्स नहीं देंगे यह नारा कब दिया गया था यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भाई बहुत अच्छा बहुत शानदार अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं ये नारा दिया गया था आप सभी को पता होना जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जब अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तब जाके ये नारा दिया गया था बोले तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन अगर स्वतंत्रता नहीं तो भैया अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो भैया हम यहाँ पर कोई टैक्स भी नहीं देंगे एड्स का विषाणु जो होता है वो किसकी वृद्धि को प्रभावित कर देता है किसकी वृद्धि बॉडी में नहीं होने देता कौन जो हमारे एड्स का विषाणु होता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है किसकी चीज़ को बढ़ने नहीं देता एड्स का विषाणु बहुत अच्छा तो जो एड्स का विषाणु होता है वो बात याद रखेगा जो हमारे में बॉडी में टी सेल्स होती हैं उनको वो बढ़ने नहीं देता टी सेल्स को अच्छा अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं क्या पहला तो ये आएगा ये बताओ दो एड्स डिवस कब मनाया जाता है तो आप तुरंत बोलोगे सर जी कब मनाया जाता है फर्स्ट ऑफ दिसंबर को होता है और आपको पता लाल रंग के टाइप से एड्स दिवस मनाया जाता है कि ये रेड कलर का फीता होता है उससे होता है सिंपल सा है लालू देखते हैं बेटा किसने करा है ठीक है और क्या आपने किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए परेशान ना होइए तो हमारे बॉडी में जो टी सेल्स होता है उनको ये इफेक्ट कर देता है जो आपका एड्स का विषाणु होता है ये याद रखिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया एन किस मामलों के निपटान के लिए बनाया गया था एन मतलब किसके निपटान के लिए बनाया गया था किस चीज के उसके लिए बनाया गया था एन चलो भैया जरा जल्दी से आ जाइए बताइए क्या होगा सही आंसर एन क्यों बनाया गया था हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत ही जिंदाबाद क्वेश्चन तो एनजीटी क्यों बनाया गया तो जो एनवायरमेंट हो रहा है एनवायरमेंट इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है इतना ज़्यादा खराब हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है इसकी वजह से क्या बनाया गया था एन बनाया गया था एनजीटी पूरा कंप्लीट जो संगठन था जो इन सब चीजों को देखता था इन सब मामलों को जो है देखता था एनजीटी क्वेश्चन वातावरण सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ इकतीस को आप सभी को पता भारतीय राष्ट्र की सांख्य सांख्यिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया भारतीय सांख्यिकी जो स्थान संस्थान है उसका स्थापना किया गया था है ना तो आप सभी को पता ये किसके नाम पे है ये क्यों किया गया था ये क्वेश्चन जरा जल्दी से बता दो भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड आपके इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन किया गया था वो सत्ता दिसंबर उन्नीस को किया गया था लेकिन किसके नाम पर है तो सबको पता होना चाहिए महान महानी स राइट आंसर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस भी है एक इकोनॉमिक्स एक का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है जरा बताओ भैया आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है जो सप्लाई साइड का इकोनॉमिक्स होता है वो किस पर ज्यादा जोर देगा जो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र होता है या फिर या फिर बोलेंगे आपूर्ति पक्ष जो होता है वो किस पर ज्यादा जोर देता है जरा जल्दी से बता दीजिए भैया तो जो आपूर्ति पक्ष होता है वो एक्चुअली में किस पे देगा वो निर्माता पर देगा भाई देखो आपूर्ति पक्ष है वो क्या करता है भाई चीज़ों को आपूर्ति कर रहा है चीज़ों को बढ़ रहा है चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है तो वो जो निर्माण करने वाला उस पर तो बोलेगा भाई तुम निर्माण क्यों नहीं कर रहे हो सीधी सी बात है हम तभी तो आपूर्ति कर पाएंगे जब तुम निर्माण करोगे हम आपूर्ति कर ही नहीं पाएंगे अगर तुम निर्माण नहीं करोगे सीधी सी बात तो ऑप्शन नंबर आपका निर्माता हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन तो नेक्स्ट पे चल देते देखते क्या कहता भाई कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होती है अब अगर मतलब मान लो अगर वो देखा जाए तो इकोनॉमिक इनइलिटीज को अगर रिड्यूस करना है तो कौन सी प्रणाली कौन सा टैक्स सिस्टम काम करता है ज़रा जल्ण जल्दी से बता दो क्या होगा भैया सबके सब लाइक भी करते रहिए चलेगा भाई सारी क्लासेस चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे तो याद रखिएगा कौन सा होता है तो अगर हम बात करेंगे जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वही ये काम करता है तो प्रोग्रेसिव टैक्स इज द राइट आंसर ऑफ तो द क्वेश्चन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स यहाँ पे बिल्कुल सही और जबरदस्त आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है फीफा टीम ऑफ द ईयर का ताज किससे जीता है भैया जरा जल्दी से बता दो फीफा टीम ऑफ द ईयर किसने जीता इस बार का बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन फीफा टीम ऑफ द ईयर किसने जीता है फीफा टीम ऑफ द ईयर हाँ, तो फीफा टीम ऑफ द ईयर किसने जीता है बेल्जियम ने जीता है। तो बेल्जियम इज द राइट एंसर क्वेश्चन यहाँ पे बेल्जियम बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त होगा बेल्जियम ने क्या जीता है फीफा टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बता दो बैलिस्टिक मिसाइल को किसने विकसित किया था बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आप लोगों ने सुना है नहीं सुना बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किसने विक्षित किया था यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है जरा जल्दी से बता दो भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही आंसर बता रहे हैं बहुत तगड़ा यार तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है आप सभी को पता होना चाहिए वान ब्रॉन किसने किया था वान ब्रॉन यानी ऑप्शन नंबर ए इज द द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एन टीसी एग्जाम बहुत जबरदस्ता क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को अगर हम किससे जोड़ दें तो ओल्ट मीटर में बदल जाएगा वो लोग ये भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है और आपको अगर ओल्ड मीटर में बदलना है तो कैसे बदलोगे जरा जल्दी से बता दो हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर से ओल्ट मीटर में चीजें बदलनी है तो आपको याद रखिएगा हम उसमें किस में जोड़ेंगे एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और वो सीरीज में होनी चाहिए ना कि पहला तरीके से एक सीरीज में होनी चाहिए अगर हम उसे एक हाई रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर ओल्ट मीटर में बदल जाएगा इस बात को खासा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं तीसवा क्वेश्चन नदी और उसके सहायक नदी के निम्नलिखित जोड़ में से कौन सा सही नहीं है मतलब ये नदी है उसकी सहायक नदी है नदी है उसकी सहायक नदी कौन सा सही नहीं है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत तगड़ा बहुत बेहतरीन भाई हाँ बहुत बढ़िया याद रखिएगा नर्मदा की जो सहायक है वो अमरावती नहीं है बाकी आपको पता है गोदावरी की बाढ़ गंगा भी है कावेरी की भवानी भी है और कृष्णा की भीमा भी है लेकिन नर्मदा की अमरावती नहीं है तो नर्मदा के लिए अमरावती इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये बताओ सूखे सेल के एनोड को बनाने के लिए किन तत्व का यूज चाहिए आपको पता है एक ड्राई सेल होता है, है ना जो हम सभी यूज करते हैं इसका एनोड होता है कैथोड और एनोड होता है तो अगर एनोड को बनाना है तो किस चीज का यूज करोगे किस तत्व का यूज करोगे इन सभी ऑप्शन में से जरा जल्दी से बता दीजिए भैया बहुत शानदार अगर हमें एनोड का बनाना है तो याद रखेगा हमेशा हमेशा एंड हमेशा जिंक का ही यूज करते हैं तो जिंक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन जिंक यहां पे बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है किसके लिए यूज करते हैं भैया जिंक अगर हमें कभी भी सूखे सेल का एनोड बनाना हो अगर ड्राई सेल का एनोड बनाना हो तो किसका यूज करोगे जिंक का यूज करोगे एक बहुत ईजी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट पे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है भैया कहता है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है मतलब सभी को देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है भारतीय नागरिक आपके संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इस समय चर्चा में रहा था और इससे रिलेटेड एन टीपीसी में क्वेश्चन हंड्रेड टू परसेंट आने ही आने तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड याद कैसे करोगे यूनिफॉर्म यानी दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए तो भैया ये भी और ये भी तो चार और चार बराबर तो आर्टिकल के इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि यूनिफॉर्म है तो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए तो के चौवालिस यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यार आपको पता है जो कर्क रेखा होती है ना वो कई सारे देशों के होकर गुजरती है तो वही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत शानदार सा क्वेश्चन है इन सभी देशों में से जो कर्क रेखा वो कहां से नहीं गुजरता आपको याद रखना है कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरता है अच्छा क्या पूछा जाए कर्क रेखा मिस्र से होकर गुजरता है बिल्कुल गुजरता है क्या कर्क रेखा आपका मैक्सिको से होकर गुजरता है बिल्कुल गुजरता है क्या म्यांमार से होकर गुजरता है बिल्कुल गुजरता है मतलब कि अगर बात करेंगे तो माँ से म्यांमार माँ से मैक्सिको माँ से मिस्र इन तीनों से गुजर रहा है और कहां से नहीं गुजर रहा भैया तो ईरान से होकर नहीं गुजर रहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं देखते हैं क्या कहता है अट्ठारह सत्तावन के विद्रोह को स्वतंत्रता से पहले भारतीय विद्रोह के रूप में किसने बात करी है या फिर किसने बताया है स्वतंत्रता से पहले भारतीय विद्रोह यह बात किसने कही है जरा जल्दी से बता दो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए यह बात कहा वीडी सावरकर आप सभी को पता है विनायक दामोदर सावरकर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये बताओ दो तो संसदवाद का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है है ना बताइए भाई संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन तो जो संसद का अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है तीस जून को अब जून के कई सारे इंपॉर्टेंट डेज है जैसे कि आप सभी को पता है जून जून को क्या मनाया जाता है योगा डे मनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना और इक्कीस जून को एक और चीज मनाया जाता है क्या म्यूजिक डे भी मनाया जाता है क्योंकि म्यूजिक सुनते सुनते योगा करा जाता है इसी वजह से म्यूजिक डे भी और योगा डे भी दोनों के दोनों ही मनाया जाता है दोनों का दोनों ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखते हैं क्या कहता है भैया ऑक्टेव रूल आप सभी ने अपने किताबों में पढ़ा होगा केमिस्ट्री किताबों में इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो भौतिक और रासायनिक गुण वाले प्रत्योक तत्व कितने तत्व के अंतराल पर फिर से अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो दोहरा देते हैं ऑक्टेव रूल में क्या कहा गया था बहुत अच्छा बहुत बढ़िया हाँ ऑक्टेव तो रूम ने यही कहा गया था कि हर आठवां तत्व क्या कहा गया था हर तत्व जो होता वो फिर से रिपीट हो जाएगा तो सात तक का सेम रहेगा लेकिन इसके बाद जैसे आठवा पाएंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा तो हर सात तक का सेम होगा यानी सात तत्वों के अंतराल पर फिर से हो जाता है तो हर आठवां तत्व जो होता है इसी वजह से ऑक्टेव था वो ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है गणतीय तकनीकों का उपयोग जो किया जाता है किस चीज में डेटा में आपको पता है डेटा को गोपनीय रखने में आप सभी को पता है जितने भी आपके डाटा है उनको सही से रखने में इन सभी में एक किसी चीज का यूज किया जाता है जो गणतीय तकनीक है किसका यूज किया जाता है जरा जल्दी से बता दीजिए भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो किसका यूज किया जाता है जो गढ़ती है तक नहीं कि उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन जो क्रिप्टोलॉजी सोच रहे है, वो बिल्कुल गलत होगा ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं लेकिन इससे पहले सब, के सब जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक बार पहले शेयर कर दो भाई कम बच्चे में मजा नहीं आ रहा सिर्फ साढ़े तीन सो, सो बच्चा देख रहा है बस शेयर करो ये पांच सौ होना चाहिए सबके सब जितना हो पाए उतना शेयर करिए एक बार सबके सब भैया अरे पक्का है एक बार पहले शेयर करो सबके सब शेयर सब करो जितना हो पाए उतना शेयर करो भाई सबके सब पहले बार शेयर करिए फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया चार्जर लेती है जरा बहुत बढ़िया चलो आ जाते हैं देखते हैं क्या कहता है बहुत अंदर बहुत बेहतरीन देखते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन है ना कहता है जब कोई देश लोगों को प्रतिक्षित प्रशिक्षित करता है यानी उनको पढ़ाता लिखाता उन पर काम करता उनके एजुकेशन पर काम करता है तो उसे शिक्षित करता है तो कौशल का विकास करता है उनके तो स्वस्थ रखता है तो देश किस चीज़ की तरफ से आगे बढ़ने लगता है लोगों को शिक्षित कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है भाई हेलो क्या हाल है सचिन क्या हाल है भैया नरेंद्र बहुत अच्छा तो याद रखना कोई देश ऐसा काम करता है इसका मतलब वो मानव पूंजी बना रहा है मतलब कि ह्यूमन कैपिटल बना रहा है तो मानव के आ कह सकते हैं एक हिसाब से आदमी कैपिटल बना क्योंकि आदमी शिक्षित है तो आदमी आदमी फिर से कमाना शुरू कर देगा तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा तो ये मानव कैपिटल बनाने लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है चलता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कहता है इसरो के साथ समझौता किसने किया है ये बता दो शांतिपूर्ण वर्क तरीके से काम करने पर इसरो के साथ समझौता किसने किया है जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हाँ

बहुत शानदार बहुत बेहतरीन बहुत जबरदस्त जो प्रोसिको हिल है ये याद रखिएगा इटली में स्थित है कहां पर स्थित है भैया ये इटली में स्थित है तो इटली इज द राइट आंसर ऑफ राइटर क्वेश्चन प्रोसिको हिल इटली में स्थित है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट पे चलते हैं देखते है क्या कहता है उसी जाति के वैश्चु की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए होते हैं मतलब वो कहीं और से आए हुए हैं उसी आवास में जरा जल्दी से बताओ क्या होगा बिल्कुल भाई प्रकाश बिल्कुल हंड्रेड टू परसेंट है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं ये बता दो हाँ चलो याद रखना इसको बोलते हैं आप्रवासन 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 मतलब होता है उसी जात के वस्तुओं की संख्या में बस वो बाहर से आ गए उस समय के अंतर्गत वो बाहर से आ गए तो वो आप्रवासन कहलाता है ठीक है उस समय के अंतर्गत क्या हो गया वो बाहर से आ गए तो आप्रवासन हो गया कौन सी दवा आईटीपी के इलाज के लिए रोमियो प्लस लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है आई के इलाज के लिए रोम्पलो रोम्पलोम लॉन्च करने वाली भारत की पहली पंख कंपनी बन गई है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत शानदार सा क्वेश्चन है तो भैया यहां पे कौन सी कंपनी बन चुकी है तो इंटास ना कि सिप्ला बहुत सारे बच्चे यहां पे सिप्ला सोचेंगे सिप्ला भारतीय बहुत बड़ी दवा निर्माता कंपनी है बट सिप्ला यहां पे बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहां डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन डी यहां हो जाएगा कहता है कौन सी प्रक्रिया पौधे को ठंड रखती है ऐसे पौधे में कौन सा प्रक्रिया होता है उनका खुद का अंदर ये प्रक्रिया होता है जिससे पौधे सुस्त रहते हैं पौधे ठंडे रहते हैं पौधे आराम से रहते हैं कौन सी प्रक्रिया भैया जरा जल्दी से बता दो हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है तो कौन सी प्रक्रिया से पौधे बहुत अच्छे से रहते हैं जरा जल्दी से बताओ भाई तो क्या हो जाएगा तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपका वास्पो सर्जन इधर राइट आंसर ऑफ द्वेशन वास्पो सर्जन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे आते देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन शरीर में जो भोजन का भाग है कौन सा भाग नहीं पचता है शरीर में भोजन का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बताइए बॉटल कहाँ है शरीर में भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है चलो तो क्या हो जाएगा कौन सा भाग शरीर में नहीं पचता भोजन का तो सेलुलोज वाला पार्ट है वो शरीर में क्या होता है नहीं पचता है हाँ कुछ ऑप्शन आज इंग्लिश में नहीं है ठीक है मैं देख लूंगा कि ऑप्शन इंग्लिश में नहीं हो पाए हैं इसके लिए माफ करिएगा तो आपको ऑप्शन इंग्लिश में मिलते हैं सारे के सारे ऑप्शन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलते हैं बट आज कुछ ऑप्शन आपके इंग्लिश में नहीं है इसके लिए माफ करिएगा इसको देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है भैया किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है यानी कि उनको एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यू एच ओ चुना गया है किसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है बताओ डब्ल्यू एच ओ का इन्हें ऑडिटर चुना गया है कौन सा ऐसा व्यक्ति है हाँ, तो आप सभी को पता होगा कौन से ऐसे व्यक्ति भैया तो सबको पता होना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो है वो है राजीव महर सी राइट आंसर क्वेश्चन इनको जो है डब्ल्यू एच ओ का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया मतलब ये बाहरी ऐसे ऑडिटर है जो तो डब्ल्यू एच ओ के चुने गए हैं नेक्स्ट पे आते निजता का अधिकार बोले तो राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया राइट टू प्राइवेसी या फिर आपका निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है यह क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आर्टिकल आप सभी से पूछा गया बीस, या फिर चलो भैया तो जो निजता का अधिकार है ये याद रखिएगा आर्टिकल में आता है यानी जो आर्टिकल आप सभी को पता है यही सारे आर्टिकल जो होते हैं वो जब भी अगर आपको आपातकाल लगता है तो आपको यह आर्टिकल जो हटाए नहीं जा सकते अगले क्वेश्चन पे आते हैं पृथ्वी की किस परत को ओजोन में ओजोन की परत होती है बताओ भाई हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समताप मंडल है ना किस परत में ओजोन की परत होती है तो याद रखिएगा किसमें होती है समताप मंडल में होती है समताप मंडल इधर राइट आंसर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं इनको पढ़ो और आपको उत्तर देना कैसे पढ़ना है तूफान फनफॉन आप लोगों ने शायद तूफान फनफॉन का नाम सुना होगा है ना ये इस देश से टकराए और बड़े पैमाने पर विशाल विनाश कर दिया या फिर सीधा आपसे पूछा जाए कि जो तूफान है ये कौन से देश में आया सीधे बात आपसे कोई इसमें ज्यादा नहीं सीधे बात जो तूफान है ये कौन से देश कौन से पार्ट में आया हुआ है चलो तो क्या हो जाएगा भैया तूफान कौन से देश में आया था फनफॉन नाम था इसका तो फिलीपींस में आता देखो भाई से फिलीपींस और से फनफॉन्स दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आएगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपने नाम सुना होगा एफ एस एस ए आई का नाम सुना है है ना तो चीनी और नमक सामग्री के का अस्तक करने वाले भारतीय पैकेज भोग के सामने लेबलिंग में कौन से रंग कोडिंग की आवश्यकता हो होगी यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया तो याद देखिएगा लाल रंग कोडिंग इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन लाल रंग कोडिंग यहां पे बिल्कुल क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा चले भाई अगले क्वेश्चन पे यह बता दो राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जो कि किससे संबंधित है राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे संबंधित है यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया राष्ट्रीय गरिमा अभियान किससे संबंधित है बहुत बढ़िया है चलो तो क्या हो जाएगा किससे संबंधित है ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट आंसर ऑफ दे क्वेश्चन कहता है क्या आग भैया अगला क्वेश्चन केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पे मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां पर है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत शानदार सा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है भाई बताइए कहां पर स्थित है रुड़की इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन रुड़की यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगले पे आते देखते हैं